हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, हरियाणा पुलिस के कुल कितने फार्म भरे गए हैं, कितनी एक सीट के पीछे फाइट है, यदि आप जानना चाहते हैं पूरी अपडेट को, पूरी न्यूज़ को, और देखना चाहते हैं एक पोस्ट के लिए आपको कितने बंदे पीछे छोड़ने पड़ेंगे यदि आप नौकरी लगाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसीताओ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ एक या दो वीडियो जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूँ, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके मिस ना हो। तो दोस्तों, पहले जो पुलिस के फार्म की लास्ट डेट थी वो 26 तारीख थी, उसके बाद बढ़ाकर 11 तारीख कर दिया गया, ठीक है। अब आज 12 तारीख हो चुकी है, तो 11 तारीख को रात तक कितने फार्म भरे गए हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो आपके साथ यहाँ मैं शेयर करने वाला हूँ, और उसके हिसाब से आपको यहाँ थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कितनी फाइट है, कितना कंपटीशन है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 11/7/2019 का शाम का 5 बजे का फार्म है, 4:50 PM, ठीक है। शाम के फार्म भरा था मैंने हरियाणा पुलिस का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेल कॉन्स्टेबल जर्नल ड्यूटी, यहाँ पे ये पोस्ट का नाम लिखा हुआ है और नीचे आपका टाइम भी मेंशन है कि कब ये फार्म भरा गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, और देखिए दोस्तों इस समय क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था आपका। तो यहाँ पर देखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर था आपके सामने जब मैंने 5 बजे फार्म भरा, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों 6203267 99, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। और हमारे जो फार्म भरने शुरू हुए थे वे कितने से हुए थे, 619, ठीक है, 000000। यहाँ पे कई बच्चे कह रहे हैं कि ये 100 से शुरू किए थे, हम मान लेते हैं 100 से शुरू किए थे, तो दोस्तों इतनी बड़ी रकम में 100 का 500 का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये था जब पहला रजिस्ट्रेशन हुआ था वो, और ये था वो जो कल रात को शाम को 5 बजे किया गया था, ठीक है। अब इस टाइम तक कितने फार्म हो गए थे 5 बजे तक आपके, ये हो गए थे आपके 10 लाख फार्म, और 10 + 3 लाख 26 हज़ार, तो 13,26,000 फार्म हो गए थे दोस्तों, 13,26,000 फार्म 5 बजे तक। हम मान लेते हैं कि लगभग लोगों ने भर भी लिए थे फार्म, तो रात के 11 बजे तक, आप मान लो 12 बजे तक, भाई मैक्सिमम 1 लाख फार्म और भरे गए होंगे, है ना। तो ये लगा लो 14 लाख फार्म भरे गए हैं आपके, 14 लाख फार्म, 14,000 ये, ठीक है। तो 14 लाख फार्म भरे गए हैं कितनी वैकेंसी के लिए दोस्तों, 6400 वैकेंसी के लिए। अब यदि हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी फाइट है एक सीट के पीछे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन करने के बाद में 218 कैंडिडेट एक सीट के पीछे है, 218 कैंडिडेट एक सीट के पीछे है, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि इनमें कुछ रजिस्ट्रेशन तो बार बार किए होंगे, गलत किए होंगे, तो दोस्तों हम वापस 2 लाख कम कर दें इनमें से, कि 2 लाख रजिस्ट्रेशन बाय मिस्टेक किए गए हैं, एक ही बंदे ने बार बार किए हैं, 2 लाख कम कर दीजिए, तो 12 लाख कैंडिडेट है दोस्तों आपके सामने, ठीक है, 12 लाख। अब कुछ इनमें ऐसे होंगे जो केवल ट्राई मारने के लिए, लेकिन आजकल मेरे हिसाब से ट्राई मारने के लिए बहुत कम बच्चे फार्म भरते हैं, तो आप लगा लो कि 2-3 लाख ऐसे बच्चे हैं जो केवल वैसे ही तुक्का मारने के लिए फार्म भरे हैं, तो 12 में से 3 के 9 लाख, ठीक है, 9 लाख फार्म या बच्चे आपके फाइट में दोस्तों। अब इनमें से हम ये लगाएं कि सीरियस कितने बच्चे होंगे, तो ये लगा लो 5 या 6 लाख बच्चे तो ज़रूर इससे सीरियस होंगे दोस्तों, जो इस भर्ती को सीरियस ले रखा हुआ जिन्होंने, है ना। तो दोस्तों कंपटीशन आपके सामने बहुत अच्छा है,
और यदि आप अपने हिसाब से देखो, कंपटीशन आपका अपने साथ है, आपको हर रोज़ बेटर करना है। ये नहीं कि आज आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आपको हर रोज़ बेटर करना है, हर रोज़ बेटर तरीके से पढ़ाई करनी है। जो आप बेस्ट दे सकते हैं बेस्ट देना है, ठीक है। या तो अब ये नौकरी पाना चाहते हैं, या तो जान लगा दो इसके पीछे, या फिर जाने दो। आप ये मन में सेट कर लो, अपनी नौकरी आपको करनी है, आपकी सपना आपका ड्रीम है पुलिस में लगना है, तो आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। जो मेहनत करेगा वो बच्चा ज़रूर लगेगा, इस बात में कोई शक नहीं। तो दोस्तों मोटा मोटी फार रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 14 लाख रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, 14 लाख के हिसाब से 218 कैंडिडेट आपके फाइट में है एक सीट के पीछे, ठीक है। और दोस्तों यदि आप सभी की मदद के लिए मैंने अपनी साइट पर KTDT जॉब न्यूज़ जो वेबसाइट अपनी, यहाँ पर HSC के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं, यहाँ पर लगभग 150 पेपर मैंने डाल रखे हैं, फ्री में है बिल्कुल, पुराने पेपर है HSC के, ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। आप वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इन पेपर में से आपके 100% क्वेश्चन आने के चांसेज हैं, आपकी हरियाणा जी की इसमें से आ सकती है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर रोज़ तैयार होते हैं, बहुत सारे टेस्ट मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, क्वेश्चन की सीरीज हैं, इंपॉर्टेंट जो टास्क है आप सभी के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर रोज़ अपडेट होते हैं दोस्तों। जैसे आज सुबह ही मैंने डाला है क्वेश्चन हब सेट 35, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो नई नियुक्तियाँ हुई है उन सभी के नाम है, चेयरमैन हैं सभी के, और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपनी साइट पर आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट है, बिल्कुल फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वो आपको ये वीडियो कैसे लगी है कमेंट और लाइक करके आपको ज़रूर बताना है, और ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है, आपका लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो देखिए ये सीधा सीधा मेरा फ़ायदा होता है और आपका भी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो दोस्तों लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, एक बटन ही तो दबाना है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।